लॉस्ट स्प्रिंग क्लास 12th एनसीईआरटी सीबीएसई फ्लेमिंगो बुक में से हमारे पास ये सेकंड लेसन है। अनीस जंग ने इसे लिखा है, लेखिका है इसकी। हम चालू करते हैं सेकंड लेसन क्लास 12th का, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो लॉस्ट माने होता है खोया, जो खोची खो जाती है जो चीजें, हम उसे क्या कहते हैं, लॉस्ट। और स्प्रिंग माने क्या होता है, बसंत होता है, बसंत का मौसम आता है ना, तो बसंत के मौसम में से इसने वर्ड लगा दिया है लॉस्ट। तो नाम से ही पता लग जा रहा है कि यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, जिनका बसंत अभी आना है, जिनका खिलने का टाइम आना है, उनके दुखों के बारे में बताया है। और खास तौर से किस प्रकार के बच्चों का, जो बेचारे कूड़ा बीनते हैं या गरीब होते हैं, उनकी जिंदगी को इन्होंने एनालिसिस करा है। तो चलिए चलते हैं, बिल्कुल आसान लेसन है, मैं आपको ये स्टार्ट कराता हूं। तो लॉस्ट स्प्रिंग अबाउट द ऑथर, अबाउट माने होता है बारे में और ऑथर मतलब लेखक। अनीस जंग 1964 बोर्न इन राउरकेला। अनीस जंग का जन्म हुआ था राउरकेला में। राउरकेला बड़ी फेमस जगह है, झारखंड में है। यहाँ पर भारत का जो लोहा है मोस्टली इसी एरिया की साइड को पाया जाता है। बहुत अच्छे लोग होते हैं यहाँ के, काफी बढ़िया जगह है। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना जो बचपन बिताया है, एंड और इसके अलावा जो उन्होंने अपना एडोलसेंस बताया है, एडोलसेंस एक एज होती है हर किसी में, जो 12 से 15, 16, 17, 18 तक के बीच में रहती है। यानी कि आप जब तक जवान हो जाते हैं और उससे पहले बच्चे होते हैं, उसके बीच की जो अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं किशोर अवस्था, वो क्या होता है, एडोलसेंस होता है। इन्होंने अपना एडोलसेंस मतलब 12 से लेकर 18 17 तक की जो पढ़ाई है इन हैदराबाद में करी थी, ठीक है। सी रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव्ड करा था हर एजुकेशन, उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी हैदराबाद में भी इन्होंने अपनी स्टडी करी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी इन्होंने जाके पढ़ाई करी। मतलब कि काफी अमीर लेखिका थी। हर पेरेंट्स, इनके जो पेरेंट्स थे वर बोथ राइटर, दोनों के दोनों काफी राइटर थे। अब डेफिनेटली मम्मी और पापा दोनों राइटर होंगे तो बच्ची तो राइटर बनेगी। खैर हम आगे चलते हैं। अनीस जंग बिगेन हर करियर, अनीस जंग ने अपना करियर स्टार्ट करा एज अ राइटर इन इंडिया। इंडिया में एक राइटर के रूप में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था, ठीक है। अच्छा, सी हैज बीन एन एडिटर, वो एक एडिटर रही एंड द कलमनिस्ट, और इसके अलावा ये कलमनिस्ट रही, इन्होंने काफी सारे कॉलम लिखे हैं, बहुत सारे अखबारों में जो कॉलम छपते हैं वो लिखे हैं फॉर मेजर न्यूज़पेपर, बड़े बड़े भारत के जो अखबार होते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, नवभारत टाइम्स हो गए, ऐसे बड़े बड़े अखबारों में इन्होंने अपने काफी सारे कॉलम भी लिखे और एडिटर भी रहे हैं। एंड अब्रॉड, और बाहर के अखबारों में भी इन्होंने काफी काम करा है। एंड हैज ऑथर सेवरल बुक्स, और ये लेखिका भी रही हैं काफी सारी किताबों की, इन्होंने दुनिया भर की किताबें लिखी हुई हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक एक्सर्ट है, एक पद्यांश है, एक मतलब कि एक छोटा सा भाग है, और फ्रॉम हर बुक, उनकी एक किताब से जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। और मैंने ब्रदर आपको भी बताया था कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है जो बसंत खो जाता है, यानी कि जिसमें से चमक चली जाती है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ऐसे बच्चों की कहानी जिनका बचपन ही बेकार हो गया। हेयर सी एनालिसिस, वो यहाँ पर एनालिसिस करती है, एनालिसिस करती है, और एनालिसिस किस चीज का करती है, यानी सूक्ष्म विश्लेषण करती है। किस चीज का सूक्ष्म विश्लेषण करती है, जो ग्राइंडिंग, और यहाँ पर हमारे पास वर्ड आ रहा है ग्राइंडिंग, और ग्राइंडिंग का मतलब होता है कष्टकारी, बहुत ज्यादा जो खतरनाक ग्राइंडिंग होती है, और पॉवर्टी, बहुत ज्यादा जो गरीबी है। एंड द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब है जो हमारे रिवाज हैं, जो हमारे बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं, जिसमें हम गरीबी में और रिवाज में, विच कंडम, जो कि अपराधी ठहरा देते हैं, विच कंडम दी चिल्ड्रन, इन बच्चों को ये अपराधी ठहरा देते हैं टू अ लाइफ ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि शोषण का, यानी सभी लोग इन बच्चों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। काफी आसान चैप्टर है, आप सुन रहे हैं मुझे भास्कर सर को, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे चैनल को भी लाइक कर लीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे इस गार्बेज का मतलब क्या होता है, गार्बेज का मतलब होता है जो कूड़ा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, गार्बेज कहते हैं।
तो हमने यहाँ पे कहा है कि कभी कभी मुझे समटाइम आई फाइंड, कभी कभी मैं पा लेता हूँ एक रुपया इन द गार्बेज। और अब इस जमाने में तो मेरे को लगता है अगर गार्बेज में एक रुपया भी मिलेगा तो वापस ही फेंक देगा, क्योंकि इतनी महंगाई चल रही है। खैर, उसने जो लेसन लिखा था तब उस टाइम पर एक रुपये की काफी वैल्यू थी, तो लेसन में एक रुपया काफी अच्छा लिख रहा है। अभी यहाँ पे होना चाहिए समटाइम आई फाइंड 100 रुपीज इन द गार्बेज। खैर, हम इस मुद्दे में नहीं जाते, आगे जाते हैं। व्हाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो, क्यों करते हो आप ऐसा, व्हाई डू यू डू दिस, एक नॉनसेंस सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है अनीस जंग ने। भाई कोई अगर कूड़े में हाथ डाल के पैसा ढूंढ रहा है तो वो किस लिए ढूंढ रहा होगा, अपनी गरीबी के कारण। मेरे भाई गरीबी के कारण, गरीबी में इंसान क्या क्या नहीं करता। और आप किसी गरीब इंसान से कहो कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, तो एक नॉनसेंस काम होता है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। खैर, आपको मैं फिर भी जो लिखा है उसकी हिंदी बता देता हूँ। व्हाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों करते हो ऐसा। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। वो आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसको मैं हर सुबह सुबह मैं एनकाउंटर होती थी, उससे मिलती थी मॉर्निंग, और स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड, जो कि बीनता रहता था, जो कि ढेर से सोना तलाशता रहता था, गोल्ड इन द गार्बेज डंप, कूड़े के ढेरों से, कूड़ों के ढेरों से वो वहां से हमेशा सोना। अब सोना किसको कहा गया है, एक रुपया, दो रुपया, कोई खाने का सामान, कोई कुछ और। डंप ऑफ माय नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में ही रहता था, उससे मैं हमेशा मिलती थी। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, और साहेब अपना घर छोड़ चुका था बहुत ही पहले, काफी पहले घर छोड़ दिया था। सेट एमिस्ट, और वो कहाँ रहता था, वो रहता था बिल्कुल बीचों बीच, द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के बिल्कुल बीचों बीच हरे खेतों में उसका घर था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, और उसका जो वो घर है अभी भी उसकी यादों में डिस्टेंस में नहीं आया है, यानी उसके घर की याद उसके दिमाग में अभी धुंधली नहीं हुई है। देयर वर मैनी स्टॉर्म, वहां पर काफी सारे तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, और इन सारे तूफानों ने बहा दिया, किससे बहा दिया, उसके सारे जितने फील्ड थे, खेत थे, जितने उसके घर थे, वो सारे के सारे बह के चले गए। हिज मदर, उसकी जो मम्मी, टेल्स हिम, उसकी मम्मी ने उसको ये सारी बातें बताई हैं, उसकी ये मम्मी सारी बातें उसको ये बताती हैं। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए, दैट्स वाई इसलिए, दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, घर को, लुकिंग फॉर गोल्ड, और वो सोने की तलाश करने लगे। यहाँ पे ब्रदर सोने का मतलब वो वाला सोना नहीं है जो महंगा वाला होता है, सोने का मतलब एक रुपया, दो रुपये के सिक्के, थोड़ा बहुत कुछ लोहा, कुछ कूड़े में जो मिल जाए उसको यहाँ पर सोना कहा गया है। इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब बिग सिटी, यहाँ दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में बिल्कुल कोने पे एक कॉलोनी है जिसका नाम है सीमापुरी, और यहाँ पर ये सारे लोग रहते हैं। मोस्टली ये कौन होते हैं, ये सारे के सारे बांग्लादेशी हैं जो बांग्लादेश से भागकर यहाँ पर आए क्योंकि उनका वहां पर प्रॉब्लम हो गई थी। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे और कुछ काम करने के लिए नहीं है। उसने क्या कहा सीधा, उसने सीधे से कहा मेरे पास कुछ और करने को है ही नहीं, और उसने ये कहा, ही मटर्स, उसने इस बात को बड़बड़ाया, अपने मन में बोला, बुदबुदाया, लुकिंग अवे, और लुकिंग अवे दूर देखता हुआ, मतलब कहीं और को देखते हुए बोला, गो टू स्कूल। ये दूसरा क्वेश्चन भी जो यहाँ किया गया है अनीस जंग ने, मेरी समझ से बाहर है कि अनीस जंग ने एक ऐसे बच्चे से ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे, हमें कभी भी किसी की गरीबी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। खैर, इसने यहाँ पे पूछा हुआ है गो टू स्कूल, कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, विद्यालय जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल खोल रखे। आई से ग्लिबली, मैंने बुदबुदाते हुए कहा, काफी मतलब डरते हुए से कहा, अजीब तरीके से कहा, रियलाइजिंग इमीडिएटली, और मुझे ये जल्दी महसूस हो गया, हाउ होलो, कि कितना, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, हाउ हेलो, हाउ होलो, कितनी खोखली है, होलो है द एडवाइस, जो मेरी सलाह है, मस्ट साउंड, यानी ये जो मेरी सलाह है बिल्कुल ही खाली होगी, बिल्कुल खोखली होगी, क्योंकि आप ऐसे बच्चे से पूछ रहे हो कि भैया स्कूल जाओ, जो बच्चा कूड़े के ढेर में हाथ डाल के कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा है उसकी जिंदगी डेफिनेटली बहुत ज्यादा खराब होगी। तो हम आगे चलते हैं। There is no school in my neighborhood, और मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल भी नहीं है। There is no school in my neighborhood, मेरे आस पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। When they build one, और जब वो एक बना लेंगे, देम कौन है, गवर्नमेंट या अथॉरिटी या सरकार। When they build one, जब वो कोई एक बना लेंगे, I will go, मैं अवश्य जाऊंगा। आई के साथ विल लगा है ना, आई के साथ जब विल लगता है तो क्या हो जाता है, अवश्य। आई विल गो, मैं अवश्य जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, विल यू कम,
अगर मैं एक स्कूल खोलूंगी तो क्या तुम चलोगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने उससे पूछा, थोड़ा सा मजाक करते हुए पूछा। यस हाँ मैं चलूंगा, हाँ वो बोला। यस ही सेज, उसने कहा, स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसने खुलकर हंसते हुए बोला, बिल्कुल, क्योंकि उसे पता है कि भाई दूसरा बंदा उससे मजे ले रहा है तो वो भी मजे ले रहा है, तो मजाक पे मजाक चल रही है, तो वो भी खुल के हंस के बोला हाँ हाँ चलूंगा। तो ए फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और मैंने कुछ दिनों बाद देखा कि क्या देखा, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कि उसको मैंने देखा कि वो दौड़कर भागकर मेरी तरफ आ रहा था। इज योर स्कूल रेडी, और उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कितनी अच्छी लाइन लिखी है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। हमारे भारत में यही प्रॉब्लम है, स्कूल बनने में सच में बहुत टाइम लग जाता है। सबसे पहले वर्ल्ड में स्कूल बनने चाहिए, जिस देश में मंदिर, जिस देश में स्कूल सबसे पहले बनता है वो सबसे बढ़िया होता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, काफी टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है एक स्कूल बनाने में, एक विद्यालय बनाने में बहुत अधिक समय लगता है। आई से, मैंने कहा, एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस, और मुझे काफी ज्यादा जो है विचलित सी हो गई, मैं एम्बेरेस्ड हो गई, विचलित हो गई, एट हैविंग मेड अ प्रोमिस, कि मैंने एक प्रोमिस कर दिया, दैट वॉज नॉट मी, और इस प्रोमिस का कोई भी मतलब नहीं था, मतलब मैंने बेफालतू का झूठा वादा कर दिया था। बट प्रोमिस इज लाइक माइन Around in every corner of this bleak world, कितना अच्छा sentence है, लेकिन promises, जो ये वादे हैं, वो सारे के सारे वादे, लेकिन मेरे जैसे जो ये वादे हैं, और bleak world, कठोर संसार, इस कठोर संसार के every corner में मिल जाएंगे, सच में भाइयों। But promises like mine, मेरे जैसे ये promise हैं, around in every corner, हर कोने में मिल जाएंगे, of his bleak world, इस कठोर से संसार में। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर गरीबों के लिए promises दुनिया भर के कर देते हैं, काम कुछ होता नहीं है। चलिए आगे चलते, काफी अच्छा लेसन है। After month of knowing him, और कई महीनों तक उसे जानते रहने के पश्चात, कई बार वो उससे मिली, I asked him his name, मैंने उससे उसका नाम पूछा, और उसने अपना नाम क्या बताया, साहेब आलम, नाम से ही पता चल रहा है किसी राजा महाराजा का नाम होता है। He announces, और उसने ये अनाउंस करा। He does not know what is mean, वो खुद नहीं जानता था कि इसका क्या अर्थ है, इसका किसका, साहेब आलम का क्या अर्थ है, उसे खुद नहीं पता था, लेकिन नाम बंदे का मस्त था, ठीक है। इफ यू नो इट्स मीनिंग, अगर वह इसका अर्थ जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो इस पूरे ब्रह्मांड का राजा हो, उसे कहते हैं साहिब आलम। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और उसे काफी बड़ा समय लगा, काफी मुश्किल समय लगा कि भाई उसका जो नाम है उसका क्या अर्थ है, इस पे विश्वास करने पे, क्योंकि नाम क्या था उसका, इस पूरे ब्रह्मांड का राजा, और हालत कैसी थी बेचारे की, हालत बेचारे की बहुत खराब थी। Unaware of what his name represent, और उसे ये भी नहीं पता था कि भाई उसका जो नाम है उससे क्या represent होगा। He roams, वह भटकता रहता है, घूमता रहता है, और सारे दिन घूमता रहता है। कैसे, He roams the street with his friends, अपने दोस्तों के साथ घूमता है। An army of the barefoot, और उसके सारे के सारे दोस्त कैसे, मान लो कि सारे के सारे कैसे हैं, नंगे पाँव वाले हैं, ठीक है। An army of the barefoot, और कैसे एक ऐसी सेना जो कि नंगे पैर चल रही हो, आर्मी माने सेना, barefoot माने जिसके पैरों में चप्पल जूते कुछ ना हो, यानी कि इन बच्चों की दशा बताई गई है कि इन बच्चों की दशा कैसी थी, ऐसे बच्चे थे जिनके किसी के भी पैर में, बिचारों के पैर में जूते चप्पल कुछ नहीं थे। बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, और ये सारे के सारे बच्चे कैसे लगते थे, जैसे सुबह सुबह हमारे घरों पे चिड़िया आ जाती थी पुराने जमाने में, और डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में कहीं पर गायब हो जाती थी। आजकल तो खैर चिड़िया दिखती नहीं है शहरों में। ओवर द मंथ्स, कई महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कई महीनों बाद उनमें से मैं प्रत्येक को पहचानने लगी, यानी कि बेचारे क्या होते, गरीब बच्चे होते ना, सकल में भी सारे के सारे एक जैसे ही दिखते, मतलब आपको अगर पहचानना पड़ेगा तो आपको कम से कम एक साल लग जाएगा उनको सकल से पहचानने में। तो हम आगे चलते हैं, काफी अच्छा लेसन है, आप सुन रहे हैं भास्कर सर की आवाज। अगर अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, थोड़ा सा लेसन ही ऐसा है कि इसमें मुझे अपने विचार भी शो करने पड़ जा रहे हैं। व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो,
आई आस्क वन, फिर से एक नॉनसेंस क्वेश्चन किसी गरीब बच्चे से पूछो, मैं तो कह रहा हूँ पूछना ही नीचे, आप मजाक उड़ा रहे हो उसकी। व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल, आई आस्क वन, मतलब क्या है ना, अनीस जंग ने बचपन से गरीबी देखी नहीं थी, बचपन से मम्मी पापा सेठ, अमरीका में जाके पढ़ के आई है, तो आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सामने वाला गरीब है तो कभी भी उससे इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि भाई बच्चे के पास है ही नहीं तो क्यों पूछ रहे हो। व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। मैंने उससे कहा, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल, तो उसने क्या कहा कि उसने कहा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो उत्तर देता है मेरी माता ने सेल्फ से उतारी नहीं है। तो सेल्फ माने क्या होता है, सेल्फ का मतलब होता है रैक, जो रैक पैक होता है। ही आंसर्स सिंपली, तो उसने बड़ी सिंपल तरीके से बहाना बना दिया, ब्रिंग देम डाउन, उन्हें नीचे उतारा ही नहीं है। इवन इफ सी डिड इट डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स मदर एट अनोदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, तो ये दूसरे ने जिसने बेमेल जूते पहने हुए थे आगे कहा कि यदि उसने उतार भी दिए तो वह उन्हें फेंक देगा, अगर उसने निकाल भी दिया। इवन इफ किसको कहते हैं, यदि, सी डिड, अगर उसने ऐसा कर भी दिया, कैसा करा, उसकी मम्मी ने अगर चप्पल उतार भी दिए, ही विल थ्रो देम ऑफ, वो उन्हें उठा के फेंक देगा। एड अनदर, दूसरे वाले ने बोला हु इज वियरिंग, और वो जो दूसरा वाला है वो क्या पहने हुआ था, उसने पहना हुआ था शूज, जूते पहने हुए थे दैट डू नॉट मैच, जो कि मैच ही नहीं कर रहे थे, मतलब एक दूसरा और दूसरा उसने पहन रखा था। आई वॉन्ट सूच, मुझे मैच, वेन आई कमेंट, और जब मैंने कमेंट करा ऑन इट, ही सफल्स हिज फिट एंड सेज नथिंग, जब मैंने ऐसा कहा तो उसने अपने पैर उसे पाव को घिसा, सफल करा, इस तरह से घिस लिया, हिज फिट एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट सूच, और उसने क्या बोला, मुझे जूते चाहिए, यानी कि उसने बात आगे बढ़ाई। सेज अ थर्ड बॉय, तीसरे बच्चे ने कहा हु हैज नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, और उस तीसरे बच्चे ने कहा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सारे जीवन में एक जोड़ी जूते नहीं पहने थे, ना देखे थे, देखे तो होंगे किसी के पाव में, पहने नहीं थे, अपने पास नहीं देखे थे, उसने ये बोला कि मुझे सूट चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, सच में इन बच्चों की कंडीशन इतनी खराब होती है, कभी भी आप इन्हें देख लोगे ना रोना आ जाएगा, यह हाल होता है, कूड़े में हाथ डालते बेचारे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, और जो पूरा का पूरा देश है, देश में आर पार, अक्रॉस मतलब पूरा आर पार, अनीस जंग घूमे हुए, घूमी हुई है अनीस जंग, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, और पूरी कंट्री में घूमते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है वॉकिंग बेयर फूट, कि वो सारे बच्चे कैसे घूम रहे हैं, नंगे पाव घूम रहे हैं इन सिटी, शहरों में। ऑन विलेज रोड, मैंने गांव के रोड में भी देखा है कि वो बेचारे कैसे घूमते हैं, नंगे पाव घूमते हैं। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये लैक ऑफ मनी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, यहाँ पे वैसे एक सेंटेंस बोला गया है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण नहीं, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, दो बातें हैं, इज वन एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर दो बातें, नंबर वन कि अगर आप गांव में जाओ, वैसे तो अब मुझे नहीं लगता पूरे भारत में कहीं ऐसा होता होगा, चप्पल उप्पल तो सब पहनते, लेकिन ऐसा होता था पहले जिस टाइम ये लिखा गया है लेसन, तो गांव के साइड आप चले जाते, कई लोग पहनते नहीं चप्पल, वो नंगे पाँव ही रहते हैं खेतों में, यहाँ पे घर पे नंगे पाँव ही रहते हैं, अच्छा भी रहता है कभी कभी नंगे पाँव रहना। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, मनी की कमी नहीं थी, बट अ ट्रेडिशन, एक प्रथा सी चली हुई है टू स्टे बेयरफुट, कि भाई हमें नंगे पाँव ही रहना है, नंगे पाँव रहना एक प्रथा है, एक प्रथा सी चली हुई है। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये एक यहाँ का विश्लेषण है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, वंडर माने आश्चर्य। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ये जो बहाना है, एक बहाना है टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी पॉवर्टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे ये पता लग रहा है कि अपनी जो इतनी सारी की सारी लगातार सतत कंटिन्यूस चलने वाली जो आपकी पॉवर्टी है, गरीबी है, उससे बचने का एक बहाना है कि जी नंगे पाँव चलना तो यहाँ पे पड़ता है, अक्सर लोग नंगे पाँव ही रहते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे याद है एक कहानी, आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है, जो एक जगह है उदिपी, यहाँ पर साउथ में है ये, साउथ साइड में ना, आप जहाँ पे चेन्नई बेंगलोर है उससे नीचे इधर को तमिलनाडु की साइड पे केरल, केरल की साइड पे उदिपी है। वंस टोल्ड मी, तो मुझे उदिपी ने एक बार एक आदमी ने मुझे बताया था, ठीक है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन, एक मुझे एक कहानी याद आई, एक आदमी ने जो मुझे बताया था, और कहाँ से, उदिपी से था। वंस टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था एज अ यंग बॉय,
ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो उसने कहा था कि जब वो एक छोटा बच्चा था, एक छोटे लड़के के रूप में वह मंदिर से गुजरते हुए जाया करता था। ठीक है, तो एज अ यंग बॉय, एक छोटे बच्चे के रूप में ही वुड गो जाया करता था, पास्ट की हैबिट है, ही वुड गो टू स्कूल, और वो स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से, वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहां पर उसी के पापा जी क्या थे, उसके पापा जी वहां पर पुजारी थे, बात समझ रही, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वहां पे वो रोज प्रार्थना करता था वो छोटा बच्चा, किस बारे में, कि भाई मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, 30 साल बाद मैं दोबारे से विजिट करा उसी टाउन को एंड टेम्पल को, विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ द डेसोलेशन, मैं वहां पे गया और 30 साल बाद जब मैंने वहां पर उस कब्जे में और उस मंदिर में दोबारे से यात्रा करी, जो अब जो है कैसा हो गया था, वो ड्रोन हो गया था, ड्रोन माने डूबना, और डेसोलेशन मतलब उजाड़ हो गया था एकदम, सब कुछ वहां से बर्बाद हो चुका था। मैं वहां पे गया इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड का मतलब जो आंगन होता है, जहां पर पिछला आंगन होता है मंदिर के पीछे, खाली जगह होती है ना, तो वहां पर वो था। ठीक है, इन द बैकयार्ड, पिछले आंगन में, वेयर लिव द न्यू प्रेस्ट, जहां पर एक नया पुजारी रहता था, एक नया पुजारी आ गया था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, वहां पर लाल और सफेद कलर की कुछ कुर्सियां भी रखी हुई थी, मंदिर में अक्सर प्लास्टिक की कुर्सियां बैठने के लिए होती हैं पीछे साइड को, अ यंग बॉय, और एक यंग बॉय था ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक छोटा सा लड़का था, और उसने ग्रे होता है ना, ब्लैक को थोड़ा हल्का कर दो ग्रे कलर आ जाता है, सलेटी कलर की वर्दी पहनी हुई थी, और क्या पहने हुए थे उसने, गर्ल यूनिफॉर्म, वियरिंग सॉक्स, इसके अलावा उसने जूते सॉक्स पहने हुए थे, जुराब पहने हुए थे, एंड शूज, और जूते पहने हुए थे, अराइव्ड पैंटिंग, और हाफते हुए आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और उसने जो फोल्डिंग बेड होता है ना, फोल्डिंग टेबल, फोल्डिंग बैड होता है, वो बंद हो जाता है, सुबह बंद कर दो शाम को लगा दो, उसमें उसने अपना क्या फेंका, ये सारी की सारी चीजें स्कूल बैग फेंक दिया। ठीक है, लुकिंग एट द बॉय, बॉय की तरफ देखकर, आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनोदर बॉय, मुझे दूसरे बॉय की वो वाली प्रेयर याद आ गई, हैड मेड टू द गोडेस, जिसने जो रोज देवी से प्रार्थना करता था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, कि उसको जो है फाइनली एक जो है क्या मिल गया है, एक जूता मिल गया है। तो लड़के की ओर देखते हुए मुझे दूसरे वाले लड़के की, जो पहले वाला लड़का था ना, उसकी वो प्रार्थना याद आ गई, जो देवी से गोडेस से प्रार्थना करता था, ठीक है, और अंत में उसे जूते मिल गए, बात समझे ना, गोडेस, ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लॉस देम, और मैं अब इन्हें कभी नहीं खोऊंगा, मैंने कभी खोने नहीं दूंगा। ठीक है, ही हैड, द गोडेस हैड granted his prayer, भगवान ने, देवी माता ने उसकी प्रार्थना सुन ली है, granted माने सुन ली है, स्वीकार कर ली है। Young boys like the son of the priest, जो ये young boys हैं, जैसे priest का लड़का था, पुजारी का लड़का था, now wore shoes, वो भी अब जूते पहनता है, जूते पहने हुए था, but many other like the rag picker, लेकिन जो ये rag picker हैं, जो ये कूड़ा उठाने वाले होते हैं, कूड़ा बिनते हैं, कूड़ा बिनने वाले होते हैं ना, कूड़े में से सामान उठाते रहते हैं, इनमें नेवर, जो मेरे पड़ोस में रिमेन सूजलेस, वे अब भी कैसे हैं, जूतों के बिना ही रह रहे हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास है, माई एक्वेंटेंस, मेरा एक परिचित है, विद द बेयर फुट, जो कि बेयर फुट है, तो उसने कहा कि मेरा एक परिचित, माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे कहां लेके चलता है, रैग पिकर्स, बेयर फुट मतलब नंगे पांव, रैग पिकर्स माने कूड़ा बिनने वाले, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी ले चलता है। सीमापुरी क्या है, दिल्ली जब कभी आप आएंगे या दिल्ली में आप रहते हैं तो आपको पता ही होगा, सीमापुरी बिल्कुल दिल्ली के कोने में एक एरिया है, बिल्कुल यूपी से मिल जाता है, बॉर्डर एरिया बोलते हैं इसे। सीमापुरी में क्या था, शुरू में खाली था, तो सरकार ने क्या करा, जितने माइग्रेंट्स आए बांग्लादेश से आए, उन सबको वहां पर बसा दिया, कुछ वहां पे वैसे कॉलोनियां भी हैं जिसमें इंडियंस भी रहते हैं, लेकिन सीमापुरी में मोस्टली आपको जो है यही लोग मिलेंगे, कौन से, जो बांग्लादेश से आए थे, जो वहां पर आके बस गए, और मोस्टली वो सब क्या है, रैग पिकर्स हैं। ठीक है, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी किसे कहते हैं, पेरीफेरी का मतलब होता है बिल्कुल बाउंड्री, सीमापुरी एक जगह है, एक बाउंड्री वाला एरिया है ऑफ दिल्ली, दिल्ली का, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन फिर भी दिल्ली से काफी मील दूर है, काफी मील दूर का मतलब तरक्की में,
तरक्की में तो दूर होगा भाइयों, हम किस किस की तरक्की करेंगे, तो वो तो बांग्लादेशी लोग हैं। तो मेटाफोरिकली तो अगर वो तुलना कर रही है यहाँ पर दोनों की कि भाई एक तो दिल्ली है कितनी अच्छी है और एक सीमापुरी है, दिल्ली का ही भाग है लेकिन कितना बेकार है। दोज हू लिव हियर, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लिव हियर आर स्क्वैटर्स हू केम फ्रॉम द बांग्लादेश, जो भी रहते हैं वो इस भूमि पर कैसे हैं, सारे के सारे स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स कौन? अवैध कब्जा जमाने वाले, जिन्होंने जमीन पर खरीदा नहीं है, कब्जा जमा लिया है, स्क्वेटर्स हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, वो कहां से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं, बैक इन 1971 में, 1971 में आ गए। अब तो भारत सरकार ने, मैं क्या बताऊं आपको, इन सब भाइयों को जो है राशन कार्ड सब कुछ मिल चुका है, अब तो हमारे देश के बन गए। साहेब फैमिली इज अमंग देम, साहेब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय पर जो सीमापुरी होती थी वहां पर वो सारी की सारी सीमापुरी उजाड़ जंगल था, जबकि ये कहानी चल रही है, जब ना बताई जा रही है। मैंने आपको कहा था ना सीमापुरी, आज तो आप सीमापुरी को देखेंगे तो लगभग लगभग ठीक ही हो गया है, उस टाइम पे जंगल वाला एरिया था बिल्कुल, जब यहाँ पे बांग्लादेशी आए थे। 1971 की बात है, बहुत पुरानी बात है, और इट स्टिल इज, अब ये काफी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, ज्यादातर यहाँ पे रिक्शे वाले, रैग पिकर्स, इस तरह के भाई पाए जाते हैं। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है, खाली नहीं है, यहाँ पर सब जगह कुछ ना कुछ मकान वकान, झुग्गी झोपड़ी सब बन गई। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मड समझते ना जो मिट्टी को गीला करके बनाते हैं ना, मठ की झोपड़ी होती है, विथ रूप्स ऑफ टीन, और इन्होंने छत कैसे बना रखी है, टीन की बना रखी है, टीन की छतों में, और एट टार्पोलिन, और टार्पोलिन की छतें बना रखी है, वो होता है आपका तिरपाल होता है ना, तिरपाल को टार्पोलिन कहते हैं, उसकी छत बना रखी है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, और यहां पर क्या है, डिवॉइड मतलब नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, किसकी सुविधा नहीं है, सीवर की सुविधा नहीं है, जो गंदगी का पानी जाता है उसकी सुविधा नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, नालियां नहीं है, और द रनिंग वाटर, और कोई यहां पर रनिंग वाटर भी नहीं है, ठीक है। लाइव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पे कितने, 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, ये तो बहुत पुरानी डेटा है, मैं आपको बताता हूँ सर, अब तो यहाँ पे 1,00,000 के करीब रैग पिकर्स रहते हैं, और उन्होंने कईयों ने तो थोड़ी बहुत तरक्की करके नए नए काम धंधे भी खोल लिए हैं। दे हैव लिव्ड हियर, जो यहाँ पर रह रहे हैं फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहाँ पे 30 सालों से बिना किसी पहचान के यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन आजकल उनकी पहचान बनने लगी है। क्या क्या पहचान बन गई है, विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के रह रहे, मतलब ना तो भारत सरकार ने उन्हें परमिशन दी थी, ना किसी ने कि आप आओ हमारे देश में रह लो, लेकिन वो रह रहे, बट विद राशन कार्ड, अब उनका क्या बन गया है, राशन कार्ड बन गया है, दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स, और जल्दी उन्होंने सबने, इन सबों ने अब अपने नाम भी वोटर लिस्ट में लिख लिए हैं, आधार कार्ड भी इनके बन गए हैं, तो अब ये सब हमारे भाई हैं, अब हम सब भाई भी उन्हें साथ में ही रहना है। List and enable them to buy grain. और अब ये उसी राशन कार्ड से क्या करते हैं, खाना भी आसानी से खरीद लेते हैं, और दिल्ली में आपको बताऊं तो मैं खाना पानी और बिजली मुझे तो लगता है फ्री के बराबर है, कोई टेंशन नहीं है। आप अगर अपने इलाके में कभी भी महंगाई से परेशान हो जाओ, दिल्ली में आके बस जाना, बाय गॉड दिल्ली में कुछ भी नहीं लगता, बिजली फ्री होती है, पानी फ्री होता है, और खाना तो सरकार का राशन कार्ड बना लेना फ्री होता है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, तो आपकी पहचान से ज्यादा जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है, फूड, फूड यानी कि खाना। देखिए पेट भरेगा ना तो अच्छी बात है, पहचान मिले ना मिले कोई बात नहीं, पेट में दो रोटी जानी चाहिए वो सबसे अच्छा होता है, पहचान जाए बाद में बनती रहेगी। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिली, अगर एक दिन के समाप्त होने पर हम अपनी फैमिली को खिला लेते हैं, एंड गो टू बेड, और बिस्तर में सोने चले जाते हैं, विदाउट एन एचिंग स्टमक, और बिना पेट में कोई एकिंग, जो एक होते हैं ना, एक का मतलब होता है कि मरोड़ आ रहे हैं, यानी कि भूख लग रही है, स्टमक होता है पेट, और एक होता है एकिंग, होता है मरोड़ आ रहा है, यानी भूख के कारण पेट में दर्द होना, अगर वो ना हो, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, तो वो कहता है ये बहुत अच्छा है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, इससे अच्छा वो अच्छा नहीं था कि हम उन खेतों में रहते जहां पर हमारे लिए कोई भी अनाज ग्रेन होता ही नहीं था, ठीक है। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक औरतों के समूह ने कहा, तो यहां पर वो अब बहुत सारी जो अनिच जंग है
यहाँ पर वो औरतों से बात कर रही है, और ऑफ वुमेन इन टेटर्ड साड़ी, जो फटी हुई साड़ियों में, टेटर्ड कहते हैं फटी हुई साड़ीज में थी। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने वो सुंदर सी जगह जो हरे हरे खेतों से और नदियों से फुल थी, उस जमीन को क्यों छोड़ा। यानी जब राइटर ने उससे पूछा कि आपने अपने बांग्लादेश को क्यों छोड़ा, तो उन्होंने बताया कि वो जो खेत थे वो हमें खाना ही नहीं देते थे। क्या आता था वहां पे, बहुत ज्यादा बाढ़ आती रहती थी, गरीबी से परेशान थे। यहाँ आ गए, भारत का तो दिल ही बहुत बड़ा है, और दिल्ली का दिल तो बहुत बड़ा है, मजे से यहाँ पे खूब खाना मिल रहा है। व्हेन एवर दे फाइंड फूड, जब कभी भी उन्हें खाना मिल जाता है, दे पिच, जब व्हेन एवर दे फाइंड फूड, जब कभी भी उन्हें खाना मिल जाता है, जहां कहीं भी, वेयर एवर लिखा है, सॉरी, वेयर एवर, जहां कहीं भी दे फाइंड फूड, उन्हें खाना मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो वहीं पे अपने तंबू गाड़ लेते हैं। पिच माने गाड़ है ना, और टेंट माने तंबू, ये वहीं पे, यानी कि अपना एक इनका अजीब सा मकान होता है, जहां मर्जी वहीं पे लगा देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, जो कि उनका क्या बन जाता है, घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, हमारे बच्चे इन्हीं के अंदर बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जल्दी ही जिंदा रहने के संघर्ष में हमारे पार्टनर्स बन जाते हैं। सर्वाइवल माने जिंदा रहना, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी जैसे एरिया में जिंदा रहना। इससे आगे चलते हैं, आप सुन रहे भास्कर सर को, अच्छा लग रहा होगा आपको। तो एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब है कि आप कूड़ा बुनिए, कूड़ा को चुनिए, कूड़े में से सामान चुनिए, 1 रुपया 2 रुपया कोई लोहा हुआ चुनिए, और उसे बेचिए कूड़े के ढेर में। सीमापुरी में आप कभी भी जाएंगे, इस तरह से लोग लगे रहते हैं। थ्रू द ईयर्स, काफी सालों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, अब ये जो इनको कूड़ा चुनने का तरीका है, ये इतना अच्छा आ गया है कि इनकी बिल्कुल फाइन आर्ट बन गया है, एक कला बन गई है। इतनी जल्दी चुनते हैं ना, प्लास्टिक प्लास्टिक, आप कभी यूट्यूब में वीडियो देखो ना, आप देख के दंग रह जाओगे, मतलब मशीन की तरह इनका हाथ चलता है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए क्या है भाइयों, इन गरीब बच्चों के लिए कूड़ा सोना है, सोने की तरह छाटते वो। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये बेचारा कूड़ा उनका रोज का ब्रेड है, इनकी रोटी है, क्योंकि इस कूड़े में से ही तो ये अपनी रोटी ढूंढते हैं। ए रूफ ओवर देयर हेड, ये कूड़ा ही इनकी छत है, इनके सर के ऊपर छत है, इसी कूड़े में से मिलने वाले सामान को बेच कर ही तो ये क्या लेते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं। इवन इफ, यहाँ तक कि इट इज ए लीकिंग रूफ, बट और उनकी छत बिचारी जो वो बनती है वो कैसी होती है, लीकिंग रूफ होती है। लीकिंग रूफ मतलब जब किसी जगह से, सॉलिड जगह से, छत वत से कोई लिक्विड चीज, पानी वानी, रेन, बरसात का पानी टपकता है, उसे लीकिंग कहते हैं। तो इनकी छत बताइए कैसी छत बनती है बेचारों की, इतनी मेहनत के बाद भी लीकिंग रूफ बनती है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज मोर, इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो ये और भी ज्यादा चीज होती है, जो ये कूड़ा होती है। क्या होता है, आई समटाइम फाइंड अ रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है। बहुत पुरानी बात है, तो 1 रुपया और 10 रुपया इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से 1 रुपये की तो वैल्यू, अगर मैं कह रहा हूँ ना, कूड़े वाले को मिलेगा, दोबारे वापस उसी में डाल देगा, वैसे बोलना नहीं चाहिए ऐसे, पैसा भगवान होता है, लेकिन फिर भी भाइयों 1 रुपये की वैल्यू इतनी बुरी हो गई है ना, एक टॉफी नहीं आती आजकल। इवन अ 10 रुपी नोट, 10 रुपये का नोट तो चलो आजकल तब भी थोड़ा बहुत है, इसमें मिल जाता है साहेब से। साहेब ने कहा कि कभी कभी मुझे इसमें 1 रुपया या फिर 10 रुपये का भी नोट मिल जाता है। आजकल तो 10 रुपये का सिक्का आ रहा है, नोट तो पता नहीं खत्म ही हो गया। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक जाती हैं जब वो ऐसे बोलता है ना, पैसे की बात तो जहां आती है ना, हर किसी की आंखें चमक जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ अ गार्बेज, जब तुम एक सिल्वर का कॉइन पाते हो, जब तुम यहां पर कभी कभी एक चांदी का सिक्का ढूंढ सकते हो, तो उसमें क्या होगा, स्क्रॉजिंग, यहाँ पर तुम खंगालते हुए ढूंढ लेते हो, फॉर देयर इज होप फॉर फाइंडिंग मोर, तो तुम्हारा मन करता है कि और ज्यादा मिल सकता है, और ढूंढो। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन टू देयर पेरेंट्स, तो इसका मतलब जो कूड़ा है, ये जो कूड़ा था वो बच्चों के लिए एक अलग मीनिंग रखता है, ठीक है, बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए जो ये कबाड़ और कचरा है, इसका जो अर्थ है वो अलग है। किससे अलग है, जो इसका अर्थ उनके मम्मी पापा के लिए है ना, तो फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो छोटे भाई, उन्हें क्या पता है, वो तो ये भी नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, गंदगी है, कहाँ पे हाथ डाल ले, उन्हें तो लगता है बड़ी अच्छी चीज है,
तो ये क्या होगा, फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो ये एक रहस्यमय अचंबा है, ये एक जादू वाली चीज है, कूड़े का ढेर जिसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। फॉर द एल्डर्स इट इज द मींस ऑफ द सर्वाइवल, और बड़े लोगों के लिए जो बेचारे गरीब हैं इनके लिए ये एक साधन है, मींस माने साधन, सर्वाइवल माने जिंदा रहने का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सुबह सुबह, आई सी साहेब, मैंने साहेब को देखा, स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैंने उसे देखा कि वो पास के ही एक क्लब में था, पड़ोस के एक क्लब में जो गेट लगा होता है ना ताकि अंदर सारे लोग ना घुस जाए, वहां पर खड़े देखा उसने, किसने देखा, अनिल जंग ने, किसको देखा, साहेब को देखा। और वॉचिंग टू, तो वो देख रहा था, क्या देख रहा था, यहाँ पर आप सुन रहे हैं भास्कर सर को, अगर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सुनने में मजा आ रहा है, लेसन ही ऐसा है, कभी कभी मेरे खुद के विचार निकल जा रहे हैं, मैं रोक नहीं पा रहा अपने को, तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे प्लीज लाइक शेयर जरूर कर ले करो दोस्तों, बड़ी मेहनत करते हैं हम इस वीडियो को बनाने में। तो वन विंटर मॉर्निंग, एक सुबह सुबह सर्दियों में, आई सी साहेब, मैंने साहेब को देखा, ठीक है, स्टैंडिंग बाय द फेंस, जो कि खड़ा था, फेंस समझते हो, लोहे की डंडियां डंडियां से लगा देते हैं ना, फेंस गेट होता है, शुरू में गेट लगा दिया ताकि हम लोग अंदर न जाएं, ऑफ द नेबरहुड क्लब, जो कि पड़ोस में ही एक क्लब था, वहां पर देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, और मैंने देखा कि दो यंग मैन जो है वो व्हाइट कपड़ों में वहां पर व्हाइट कपड़ों में थे, प्लेइंग टेनिस, और वो क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे, आई लाइक द गेम, मैं इस गेम को पसंद करता हूं, ही हम्स, उसने बड़े हल्के से बोला, बहुत ही धीरे से बोला, ठीक है, कितने हल्के से, मान लो कि आपको सुनने के लिए भी कान उसके पास ले जाने पड़ेंगे, वो होता है ना बुदबुदाता, बुदबुदाना होता है ना, बुदबुदाना, थोड़े से हल्के से बोलना, उसे हम कहते हैं। आजकल व्हाट्सएप में भी कई बच्चे हम लिखते रहते हैं ना, तो कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो क्या कर रहा था, वह पीछे से उसे निहार कर ही कंटेंट हो जा रहा था, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, अब वो कंटेंट टू वॉच, वो संतुष्ट हो जा रहा था, इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस से पीछे खड़े होकर उन दो बच्चों को खेलते हुए देखकर ही वो खुश था। कभी कभी ये जो बैडमिंटन का खेल ही ऐसा होता है, खेलने वालों से ज्यादा मजा देखने वालों को आ रहा होता है। आई गो इनसाइड मैं अंदर जाता व्हेन नो वन इज अराउंड, अगर कोई नहीं होता, अगर आसपास कोई नहीं होता तो मैं अंदर चले जाता। ही एडमिट्स, उसने इस बात को स्वीकार करा, यानी उसका काफी मन कर रहा था अंदर जाके खेलने के लिए। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और ये जो गेट कीपर है यहाँ पर, जो गेट कीपर सच में बहुत दयालु होते हैं, मैंने देखा कि भारत में अगर सबसे ज्यादा दया किसी के पास होना गेट कीपर को ही होते हैं, आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट करिए आपको परमिशन मिल ही जाती है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और यहाँ का जो ये गेट कीपर है वो मुझे अंदर झूला झूलने की इजाजत दे देता है, बहुत ही अच्छा गेट कीपर है। तो साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, और साहिब ने भी जो है टेनिस के शूज पहने हुए थे। That look strange, जो काफी अजीब से लग रहे थे। Over his discolored shirt, उसका जो discolored shirt थी और जो short उसका जो निक्कर था उससे बिल्कुल बेमेल लग रहे थे, बिल्कुल अजीब लग रहे थे। Someone gave them to me, किसी ने ये मुझे, someone gave them to me, किसी ने ये मुझको दिया है, मुझे ये किसी ने दे दिए। He says in the manner of an explanation. और उसने कैसे कहा, उसने कहा कि ये मुझे किसी ने दे दिए, सफाई पेश करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, अपनी बात को बताते हुए कहा है कि किसी ने मुझे दे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, लेकिन असली बात क्या थी, द फैक्ट, तथ्य ये था कि ये किसी जो रिच बॉय था ना, कोई सेठ घर का बच्चा होगा, उसने त्याग दिए होंगे जूते, वो वाले जूते थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ये जो है उसने फेंके नहीं, किसी को दे दिए। हमेशा ये काम करा करो, अपने जो कपड़े हैं, अपने जो जूते हैं, जब भी कभी खराब हो जाएं तो उन्हें फेंको नहीं, कूड़े के ढेर में मत फेंको, एटलीस्ट किसी गरीब को दे दो, क्योंकि आपके लिए वो बेकार है लेकिन किसी गरीब के लिए बहुत काम की चीज है, जरूर दे दे करो, कितनी अच्छी चीज लिखी है। और हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल, और शायद उस बच्चे ने इसको पहनने से इसलिए मना कर दिया होगा, बिकॉज ऑफ ए होल, क्योंकि इसमें एक छेद था, इन वन ऑफ देम, एक जूते में एक छेद हो गया था। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और उसने वो पहन लिया। फॉर वन Who has walked barefoot? लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा, जो मैंने आपको बात बताई ना, कोई ऐसा बच्चा जो कि नंगे पैर चलता हो, Even shoes with a hole is a dream come true. उसके लिए तो एक ऐसा जूता जिसमें छेद हो
वो भी क्या है, एक भाइयों सपने को सच के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपने मेरी इस ट्रांसलेशन को अच्छे से सुना है, तो भाइयों एक बात मन में भी याद रखो, आप अपनी चीजों को फेंकना नहीं, कभी भी किसी को दे देना, आपको आपसे गरीब दुनिया में लाखों मिल जाएंगे। बट द गेम, लेकिन जो खेल है, ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो ये गेम था, जो खेल वो देख रहा था, कौन सा वाला खेल, टेनिस का, इतना निष्ठापूर्ण तरीके से वो देख रहा था, वो उसकी पहुंच से अभी बाहर था। सो इंटेंटली, काफी निष्ठापूर्वक वो देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो अभी उसके पहुंच से बाहर था। यानी कि भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से जूता तो मिल गया, लेकिन टेबल टेनिस का खेल अब भी दूर था। एक गरीब की जिंदगी सच में बहुत स्ट्रगल वाली होती है, और अगर गरीब कोई जो बच्चा होता है ना, जी जान से स्ट्रगल कर ले, तो सच में लाइफ में बहुत सक्सेस होता है। तो आगे हम चलते हैं। दिस मॉर्निंग, इस सुबह साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। और इस सुबह 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 साहिब कहाँ जा रहा था, दूध की डेयरी वाले रास्ते में जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर था। पुराने जमाने में आते थे कनिस्टर, अब तो डोलची आती हैं, डेगची आती हैं, तो कनिस्टर था। कनिस्टर होता है डिब्बा, पुराने जमाने में डिब्बे में दूध लेके आते थे, कनिस्टर स्टील का होता था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं अब वो जो सड़क पार की एक दुकान है ना, डाउन द रोड कहते हैं सड़क पार की जो दुकान है ना, चाय की दुकान है, वहां पर काम करता हूँ, है ना। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने दूर एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए बताया डिस्टेंस में। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे कितने रुपए मिलते हैं, मुझे 800 रुपए मिलते हैं, और सारा का सारा मुझे खाना, दिन का, दोपहर का, शाम का, जो वो भाई खाता होगा वो सारा उसको मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम इस नौकरी को पसंद करते हो। आई आस्क, मुझे तो लगता है अनिस जंग ने जितना पूछा आज तक सब अजीबोगरीब ही पूछा है। खैर, आदत है लेखिका की, तो एक और पूछ लिया, डज ही लाइक द जॉब। भाइयों जो कूड़ा बिनता उसको जॉब तो अच्छी लगेगी चाहे कैसी भी हो, ठीक है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम इस नौकरी को पसंद करते हो। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो मैंने देखा कि उसके चेहरे की जो चिंता मुक्त झलक थी वो खो गई। उसके चेहरे में जो एक बचपन में चिंता मुक्त झलक तो होती है, एक बचपन क्या होता है, बचपन में कोई चिंता नहीं होती, बिल्कुल मस्त जीता छोटा बच्चा, लेकिन वो जो झलक थी वो उस बच्चे में नहीं दिखाई दे रही। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। तो हम यहां पर आगे चलते हैं। यहाँ पे जो स्टील का जो डब्बा था, उसका जो डिब्बा, उस आदमी, मैं यहां से बता दो, आधी लाइन नीचे चलेगी भाइयों। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी टू लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो ये जो स्टील का कनिस्टर है ये काफी भारी लगता था, और उसने एक प्लास्टिक का भी कुछ बैग या पॉलिथीन पकड़ रखी थी अपने शोल्डर में। द बैग वॉज हिज, वो जो बैग था वो उसका था। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन, और कनिस्टर किसका था, उस आदमी का था हु ओन्स द टी शॉप, जो कि टी शॉप का मालिक था, ओन्स था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं था। तो मैं बताता हूँ यहाँ से क्या था, ठीक है। अच्छा, ये जो कंधे पर उसने हल्का फुल्का अपना एक प्लास्टिक का बोरा टांग रखा था, ठीक है, और वो जो प्लास्टिक का बोरा था उसको भारी लग रहा था, लेकिन जो स्टील का डब्बा था वो उसको हल्का लग रहा था, क्योंकि बोरा तो उसका खुद का था और स्टील का डब्बा किसका था, मालिक का था। तो अब वो काम किसके लिए कर रहा था, मालिक के लिए काम कर रहा था। यानी कि मालिक का भारी कनस्टर उसे हल्का लग रहा था, और अपना खुद का एक प्लास्टिक का जो झूला या थैला उसने बोरा डाल रखा था वो उसको भारी लग रहा था, क्योंकि अब वो अपने खुद का मालिक नहीं था, अब वो किसी और के लिए काम करता था। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूं। यहां से कहानी का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा स्ट्रगल चालू हो जाता है कि जब गरीबी में कोई बच्चा होता है तो किस तरह से स्ट्रगल करके अपनी गरीबी को तोड़ने की कोशिश करता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना स्वयं का, इंसिस्ट ऑन बीइंग, बनना चाहता है हिज ओन मास्टर, अपने खुद का ही मालिक बनना चाहता है। इंसिस्ट मतलब उसके मन में एक लगन है, एक इच्छा है कि वो अपना मालिक खुद बनेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, उसने घोषित करा, मैं अवश्य
आई विल आ गया ना, और मैंने बताया था आई के साथ जब भी विल आ जाता है तो उसकी हिंदी क्या होती है, मैं अवश्य, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं अवश्य एक मोटर मालिक, मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। और फिर से अनीश जंग ने उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई आस्क, मैंने पूछा, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, आई विल लर्न, आई विल, मैं अवश्य सीखूंगा, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं अवश्य कार सीखूंगा। ही आंसर्स, उसने उत्तर दिया कि मैं अवश्य एक कार सीखूंगा। ओके, लुकिंग, लुकिंग स्ट्रेट डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, और उसने लुकिंग स्ट्रेट, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज था, उसने सीधा मेरी आंखों की तरफ देखते हुए बोला, हिज ड्रीम लुक्स, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज, और उसके जो सपने थे, उसके सपने कैसे दिख रहे थे, उसने मेरी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, और मैं उसका स्वप्न ऐसे लग रहा था जैसे कि धूल के मध्य, मिराज समझते हो, मिराज का मतलब होता है एक, मैं आपको समझाता हूँ, तो मिराज का मतलब होता है कि आपने एक हिरण होता है, पता नहीं कौन होता है, हाँ हिरण होता है, और हिरण के बीच में ही क्या होता है ना, हिरण होता है, कौन होता है, एक उसके पेट में से काफी सुगंध सी आती है, वो होता है कस्तूरी मिर्ग, कस्तूरी मिर्ग होता है, तो कस्तूरी मिर्ग के साथ क्या होता है, कस्तूरी मिर्ग के बीचों बीच पेट में ही वो होती है, एक सुगंध वाली कस्तूरी होती है, और वो उसको खुशबू को ढूंढने के लिए चारों जगह भटक रहा होता है। ही ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज, वो एक जो है मृग मिरीचिका बोलते हैं उसको, की तरह स्पष्ट लगता है, अस्पष्ट लगता है। मृग मिरीचिका कौन सा, मृग मिरीचिका होता है एक वो क्या था, वो मैं फिर भूल गया, एक हिरण होता है और उसके पेट, कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग होता है, और उसके पेट में बीच में एक वो होती है कस्तूरी सी होती है, कुछ उससे बड़ा सुगंध आती है, और वो बेचारा कस्तूरी मृग उसी सुगंध के लिए सारे दुनिया में चक्का लगाता रहता है, लेकिन वो उसके बीच में ही होता है, पेट में ही, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मृग मिरीचिका कहते हैं, यानी कि आप ये समझ लो एक ऐसा सपना जिसको आप चारों तरफ घूमते रहेंगे। एमिस्ट, amidst the dust of street that fill his own town फिरोजाबाद, और ये सारा का सारा जो घूमेगा, सारा कहाँ घूमेगा, फिरोजाबाद की उन गलियों में उसका सपना भटकता रहेगा जो कि मिट्टियों से, धूल से ढकी हुई है। famous for its bangles, और फिरोजाबाद की जो गलियां है famous है, किस चीज के लिए famous है, चूड़ियों के लिए, ठीक है। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, यहाँ पर कोई सभी परिवार है वो क्या बनाने में व्यस्त रहता है, फिरोजाबाद इज इंगेज्ड, वो इंगेज रहता है इन मेकिंग बैंगल्स, वो बैंगल्स चूड़ियां बनाने में मस्त रहता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्रीज, तो ये भारत की वो जो ग्लास ब्लोविंग समझते हो, कांच को पिघालने वाली, ठीक है, कांच को जो पिघलाते हैं, इंडस्ट्री है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहां पर परिवारों ने कई पीढ़ियां बिता दी है। वर्किंग अराउंड फर्नेस, भट्टियों के चारों तरफ भट्टियां होती हैं, जहां पर बड़े बड़े आग की भट्टियां होती है, जिसमें ये जो आपका ये है ना ग्लास है, शीशा है, इसको पिघलाया जाता है। वेल्डिंग ग्लास, शीशे में टाके लगाए जाते हैं। मेकिंग बैंगल्स, और उनसे जो है चूड़ियां बनाई जाती है। For all the women in the land, it seems, और पूरे के पूरे सारे के सारे औरतों के लिए यहाँ से, इस भूमि की जितनी भी औरतें होंगी, भूमि की तो मतलब खासतौर से आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ बाहर भी समझ लो, वहाँ की औरतों के लिए जो चूड़ियाँ हैं मोस्टली यहीं से बनकर जाती हैं। यानी कि फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, फिरोजाबाद फेमस है सर आपका बैंगल्स मेकिंग के लिए। मुकेश इज द फैमिली इज अवंत है, मुकेश का परिवार भी उन्हीं फैमिलियों में से एक है जो फिरोजाबाद में क्या करते हैं, चूड़ियां बनाते हैं। None of them know, उनमें से कोई नहीं जानता, that it is illegal for children like him, कि उन जैसे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अगर आप फैक्ट्रियों में काम कराते हैं तो वो इलीगल होता है टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, जो कांच पिघलाने वाली भट्टियां होती हैं उनमें अगर बच्चों को आप काम करवा रहे हो तो ये इलीगल है। विद हाई टेम्परेचर, जहां पर काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है। इन डिंजी, डिंजी सेल्स, जो कि काफी छोटे छोटे कमरे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे कमरे, बिल्कुल छोटे कमरों में काम करना अवैध है। विदाउट एयर एंड लाइट, और ना तो उन कमरों में एयर है और ना ही उन कमरों में लाइट है।
दैट द लॉ जो कि कानून के अकॉर्डिंग इलीगल है, इफ इनफोर्स अगर कानून को यदि बताया जाता है, यदि कानून को लाया जाता है, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, तो ये जो 20,000 बच्चे हैं, ये सारे के सारे बच्चों को गर्म भट्टियों से, सारे के सारे गर्म भट्टियों से, वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर्स, जहां पर वे अपने दिन को बिताते हैं, घंटों दिनों को बिताते रहते हैं, ओफन लोसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, अपनी आंखों की चमक को खोते जा रहे हैं, उन्हें बाहर लाया जा सकेगा। यानी 20,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर काम करते हैं, ये बात है 1971 की, अभी भी हालात वैसे ही हैं, काफी ज्यादा बच्चे वहां पर अभी काम कर रहे हैं, हालांकि सिचुएशन हर जगह चेंज हो गई है, सीमापुरी भी काफी हद तक सुधर गया है और फिरोजाबाद भी काफी हद तक अच्छा बन गया है। मुकेश आईज बीम एज अ वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, और मुकेश की आंखें किस तरह से, मुकेश की आंखें बिल्कुल एक वॉलंटियर की तरह मुझे अपने घर की तरफ ले जाती है, which he proudly say is being rebuilt, जिसको उसने काफी गर्व के साथ बताया कि उन्हें दोबारे से इन्होंने इस मकान को बनाया है। He walked down और stinking lens, stinking कहते हैं जो बहुत बदबूदार आते हैं ना, बहुत बदबूदार होती है, stinking होती है, stinking lens, काफी बदबू आती है, नाली का पानी जब निकल जाता है बाहर, काला सा गंदा सा पानी बाहर आता है, कितनी बदबू आती है, तो उसे stinking lens रखा है इसने यहाँ पे नाम। Choked with garbage और सारा की सारी ये जो गलियां हैं ये भरी हुई थी किससे, गार्बेज से भरी हुई थी। Past home that remain ये सारा का सारा याद दिलाती हैं, और किस चीज का याद दिलाती हैं, ये सारा दिलाती हैं ऐसे विथ क्रम्बलिंग वॉल, जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं घरों की और छेद हैं घरों में, और वुबली डोर्स इनके दरवाजे काफी टूटे फूटे से हैं, नो विंडोज कोई भी घरों में खिड़कियां ही नहीं है, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल्स, वहां पर काफी सारी फैमिली है, कौन कौन सी फैमिली है, इंसानों की और जानवरों की, को एग्जिस्टिंग का मतलब एक साथ रहती है, इन ए प्रीमियल स्टेट, तो प्रीमेवल स्टेट कौन सा होता है, यानी कि अगर पुराने जमाने की बात करें, बहुत पुराने जमाने की बात, जहां पशु और मनुष्य प्राचीन काल में एक साथ मिलजुल कर रहते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि यहां पर कंडीशन अब भी वैसी है। He stops at the door of one such house. वो ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है। Banks a wobbly iron door. और वो क्या करता है? पीछे को झूलते हुए एक wobbly, जो ऐसे ही हिलता डुलता कमजोर सा दरवाजा होता है ना, wobbly दरवाजे को पीछे से खटखटाता है, iron door with his foot, अपने पैर से खटखटाता है, and pushes it open, और इसको धकेल देता है, push करता है, धकेल देता है, धकेल करके खोल देता है। वो ये जो है क्या होता है, दरवाजा खुल जाता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, और हम कहाँ चले गए, हम आधी बनी हुई एक झोपड़ी में चले गए, ठीक है। हाफ बिल्ट मतलब जो आधी बनी है, इन वन पार्ट ऑफ इट, और उसके एक कोने में, जो कि कोना का एक पार्ट है, जो कि कैसे करा हुआ है, टेट्स करा हुआ है विद डेड ग्रास, जिसको कि ढका हुआ है, वो ढका कैसे है, डेड ग्रास सूखी हुई घासों से उसको ढक रखा है, और इज ए फायरवुड स्टोव, वहां लकड़ी का फायरवुड स्टोव, एक लकड़ी का वहां पर चूल्हा बना रखा है, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक काफी बड़ा बर्तन रखा हुआ है, ऑफ सीजलिंग स्पिनेक लीव्स, जिसमें पालक की पत्तियां, स्पिनेक कहते हैं पालक, और पालक की पत्तियों को सब्जियों को बनाने के लिए वहां पर और छानने के लिए रखा हुआ है, ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और बड़े बड़े एल्यूमिनियम की एक थाली है रखी हुई है, प्लेटर्स रखे हुए, आर मोर चोक्ड वेजिटेबल, उसमें भी काफी सारी बारीक कटी हुई सब्जियां रखी हुई है, ठीक है। अ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल कहते हैं दुबली पतली सी, एक फ्रेल यंग वुमेन एक दुबली पतली सी एक वुमेन है, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का खाना बना रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे के पूरे परिवार के लिए वो खाना बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड इट विद स्मोक, अपनी आंखों को, तो थ्रू आईज फिल्ड इट विद स्मोक, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है, सी स्माइल, वह मुस्कुराती है, सी इज द वाइफ ऑफ, और वो किसकी पत्नी है, मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, यानी उसकी भाभी है, और नॉट मच ओल्डर
इन ईयर्स, वह अभी आयु में कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होगी, सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन फिर भी उसे बहू होने का सम्मान मिल चुका है। गांव में पुराने जमाने में छोटे छोटे में शादी कर देते थे, आजकल तो काफी बड़े में शादी होती है। तो पुराने जमाने की बात है, तो 1971 के टाइम की ये बात है सारी की सारी। द डॉटर इन लॉज ऑफ द हाउस, और इस घर की जो बहू थी, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। तो वो तीन बंदों को चार्ज रखती थी, और तीन बंदे कौन कौन से, अपने एक तो अपने पति का, एक मुकेश का और उसके पिता का, उनको वो चार्ज भी करती थी, आदेश भी देती, कंट्रोल भी करती थी। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब बड़े बूढ़े गांव के बुजुर्ग व्यक्ति प्रवेश करते थे, सी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो क्या करती थी, धीरे से जो टूटी हुई दीवार थी उसके पीछे हट जाती थी, थोड़ा सा पीछे खिसक जाती थी, सम्मान के रूप में, रेस्पेक्ट के रूप में। एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल कहते हैं घूंघट, क्लोजर टू हर फेस, और अपना जो घूंघट था उसको अपने चेहरे के पास काफी ले आती थी। एज कस्टम डिमांड, क्योंकि भाई ऐसे रीति रिवाज थे, रीति रिवाज अब भी कई जगह हैं, गांव में अब भी हैं, कि अगर बहू जो होगी वो पर्दा करती है बड़े बूढ़ों के सामने, डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेस, कि जो पुत्र वधु होती है, बहू होती है, उन्हें पर्दा करना पड़ता है बिफोर मेल एल्डर्स, कि जितने भी मेल एल्डर्स होते हैं उनके सामने उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाना होता है, ऐसी प्रथा थी पहले। इन दिस केस, इस केस में द एल्डर इज एन, जो एल्डर था वो क्या था, इम्पोरिस्ट बैंगल मेकर, वो एक काफी गरीब बैंगल मेकर था, बहुत ज्यादा जो है मतलब कि उसने गरीबी देखी हुई थी, दरिद्र, इम्पोरिस्ट कह सकते हैं, जो बिल्कुल गरीब हो, और वो चूड़ी बनाता था, ठीक है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर के बावजूद, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर के बावजूद, लंबे हार्ड कठिन परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, शुरू में वो टेलर था, देन ए बैंगल मेकर, फिर उसके बाद वो चूड़ी कर्मी बन गया, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, इतना कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपने घर को, अपने घर का प्रबंध नहीं कर सका। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने दो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सका। ये भारत की गरीबी की कहानी है पूरी। भारत में गरीब लोग गरीब क्यों होते हैं बेचारे, क्योंकि वो गरीब होते हैं, वो कोशिश, मतलब गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता, सारी कंडीशन यही पे आ रखी है। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, तो उसने क्या करा, केवल उसने वही उनको सिखाया जो चीज उसको खुद आती थी, और उसको क्या चीज आती थी, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, की चूड़िया किस तरीके से बनाते हैं, तो उसने चूड़िया बनाना ही उनको सिखाया। इट इज कर्मा, यह कर्म है, मतलब ये कर्म की बात है। पुराने जमाने के लोग पुरानी बातें करते थे, वो कहते थे भाई हमें तो कर्म ही ऐसे, हमें काम ही यही करना है। हिज डेस्टिनी, ये उनका भाग्य है, कि उनका जीवन में लिखा ही है कि उन्हें ये काम करना है। सेज मुकेश ग्रांड मदर, तो मुकेश की दादी ने ये कहा, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, हु हैज वॉच्ड, जिसने खुद अब देखा था, खुद अपने सामने ये बात देखी थी, हर ओन हस्बैंड, उसका खुद का जो आदमी था, पति था, गो ब्लाइंड, वो अंधा हो गया था, विद द डस्ट, जो डस्ट निकलती है ना जब पॉलिशिंग करते हैं बैंगल्स के, कांच की चूड़ियों को पॉलिशिंग करते हैं, और उसमें जो वो पॉलिश की जाती है, तो उसमें से जो डस्ट निकलती है उससे काफी आंखों में इफेक्ट पड़ता है, उससे वो अंधा हो गया था। कैन अ गोल्ड, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज ओवर एवर बी ब्रोकन, कैन ए गॉड गिवन लाइनेज, जो भगवान ने जो कर्म की रेखा लिख दी, गॉड गिवन, भगवान ने जो निर्धारित कर दिया, एवर बी ब्रोकन, क्या उसको तोड़ा जा सकता है, ये किसने कहा, उसकी दादी ने कहा। सी इम्प्लाइज, वह ये सारी बात बोलती है, बोर्न इन द कास्ट ऑफ द बैंगल मेकर, क्योंकि हम कहां पर, हमारा कौन सी जाति में जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है चूड़िया बनाने वाली जाति में। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, उन्होंने कुछ नहीं देखा अपनी जिंदगी में, बस चूड़िया ही चूड़िया देखी है। इन द यार्ड, अपने आंगन में चूड़िया ही चूड़िया देखी है। इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में चूड़िया देखी है। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में सिर्फ और सिर्फ क्या देखी है, चूड़िया देखी है। ये दादी माँ की बात है, दादी माँ पुराने ख्यालों की है, तो पुरानी बातें उनकी चल रही है। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के काफी सारे वो एक रस्सी में डाल के ऐसे बांध देते हैं ना, वो स्पाइरल बन जाता है। सनी गोल्ड, सुनहरे कलर की,
पैडी ग्रीन जो धान के जैसे हरे कलर की, रॉयल ब्लू नीले कलर की, पिंक पर्पल एवरी कलर की, बोर्न आउट ऑफ सेवन कलर, सेवन कलर की ऑफ द रेनबो, जो रेनबो इंद्रधनुषिया जो चूड़ी होती है, लाई इन द माउंट्स इन द अनकैम्प्ड यार्ड, वो सारे के सारे अनकैम्प्ड यार्ड होता है जो उबड़ खाबड़ आंगन होता है, वहां पर माउंट ढेर लगा रखा था, आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील, और ये सारे के सारे बाद में गठरी उठाकर पाइल्ड कर दी जाती है, पाइल्ड ऑन उठा उठा के रख दी जाती है, फोर व्हील्ड हैंड कार्ट जो हाथ से खींचने वाली चार पहियों की वो ठेला गाड़ी होती है ना, उसमें रेडी होती है, उसमें रख दी जाती है, पुश्ड बाय यंग मैन, और इनको जो उनके बड़े लड़के होते हैं वो पुश्ड करके ले जाते हैं, अलोंग द नैरो लेन ऑफ द सेंट्री टाउन, और वो नैरो इन छोटे छोटे वहां से ले जाते हैं और संकरी गलियों से लेके जाते हैं, और कहां लेके जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में लेके जाते हैं, एंड इन डार्क हटमेंट्स, और फिर रात में नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ द फ्लेम्स ऑफ द फ्लिकरिंग ऑयल लैंप, एंड इन डार्क हटमेंट्स एंड इन डार्क हटमेंट्स, और जो अंधेरी झोपड़ियां हैं, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, जो ऑयल लैम्प की टिमटिमाहट है, सिट बॉयज, वहां पर बैठे हुए कौन बैठे हुए, बॉयज बैठे हुए एंड गर्ल्स बैठी हुई है, विद देयर फादर, अपने फादर के साथ एंड मदर्स के साथ, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, और वो वेल्डिंग कर रहे हैं किसमें, कलर्ड ग्लास में कर रहे हैं, इन टू सर्कल ऑफ द बैंगल्स, और वो बैंगल्स के सर्कल बना रहे हैं, देयर आईज आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें ज्यादा एडजस्ट हो जाती हैं टू द डार्क, अंधेरे में ज्यादा अच्छे से एडजस्ट हो जाती हैं देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की लाइटों की तुलना में, दैट इज व्हाई, इसलिए दे ओपन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट, उनकी आंखें खराब हो जाती है बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि वो वयस्क हो सके 18-19 साल के हो सके, उनकी आंखों की रोशनी लगभग लगभग चली जाती है। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं भास्कर सर को, आप मेरे साथ बने रहिए, अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल। सविता अ यंग, सविता अ यंग गर्ल इन अ डार्क पिंक ड्रेस, और सविता एक लड़की है जो कि यंग लड़की है, और उसने जो है ड्रैप पिंक ड्रेस पहन रखी, यहाँ पर DRAB ड्रैप लिखा हुआ है, गुलाबी कपड़े में एक जवान लड़की बैठी हुई है, ठीक है, और सिट्स अलोंग साइड, और वो पास में बैठी हुई है, एंड एल्डरली वुमेन, और एक बूढ़ी औरत के पास में बैठी है, और सोल्डरिंग, और वो सोल्डर कर रही है, सोल्डर ना टाके लगा रही, पीसेज ऑफ ग्लास, ग्लास में चूड़ियों में जो है टाके लगा रही है, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और उसका हाथ जो है किस तरह से चल रहा है, मैकेनिकली चल रहा है, मशीन की तरह चल रहा है, लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, जैसे एक मशीन के जो टोंग्स होते हैं ना वैसे कांटे जैसे होते, वो चलते उस तरह से, आई वंडर इफ सी नोज द सैंक्टिटी, मैं ये एक आश्चर्य में हूं कि क्या वो जानती भी है कि क्या पवित्रता है, ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मी, जिन चूड़ियों को बनाने में वो मदद कर रही है उसकी पवित्रता को भी शायद वो नहीं जानती, इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये भारत की औरतों के सुहाग को प्रतीक है, ऑस्पिशनेस और उनकी पवित्रता शुभ लक्षण के हैं, इन मैरिज, जिसे कि मैरिज के समय मांगलिक कार्यों में पहना जाता है, इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेव, और इसे तब पता चलेगा ये सब जब उसे जो है शादी का सौभाग्य प्रतीक होगा, अचानक एक कैसा होगा जब उसके पास वेल, वेल यहाँ पे आ रखा रेड वेल, रेड वेल समझते हैं आप, रेड वेल होता है हमारे पास कि भाई लाल घूंघट, लाल घूंघट किसका होता है, लाल घूंघट होता है वो होती है ना बहू शादी वाली, जिस एक लड़की जिसकी शादी हो जाती है उसे लाल घूंघट पहनाते हैं ना, यानी कि उसको इसके बारे में तब पता चलेगा जब किसी दिन उसके सर पे लाल घूंघट आएगा, यानी उसकी शादी हो जाएगी, हर हैंड्स डाइड रेड विद द हिना, उसके हाथ जो हैं वो मेहंदी से लाल हो जाएंगे, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में लाल चूड़िया वो पहन लेगी, सी विल देन बिकम ए ब्राइड, और वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, और जो उसी औरत की तरह जो उसके पास में बैठी है, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कई सालों पहले ऐसे ही बनके इस घर में आई थी, सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर, उसके हाथों में अब भी, उसके हाथों की कलाइयों में अब भी क्या है, चूड़िया है, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी रोशनी नहीं है, उसकी आंखों की रोशनी क्या चली गई, चली गई है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया,
तो लाइट इन आर आइज, और वो क्या बोलती है, एक वक्त शेर भर का मतलब पूरी थाली भर के होगा, पूरी थाली भर के खाना भी नहीं खाया सी सेज, उसने कहा, और उसने क्या कहा वो बताती है कि उसने वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया है अपने सारे जीवन में, बताओ, सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और वो खुशी के एक हंसकर बताती है चीज को, ठीक है, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, सी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में पूरी लाइफ टाइम में एक बार थाली भर के खाना भी नहीं खाया है। तो यहीं पे आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा भाइयों, सबसे बड़ा काम क्या करो, इतना लो थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में, याद रखना, थाली में चाहे आप घर में होते हो, पार्टी में होते हो, शादी में होते हो, खाना उतना ही लिया करो जितना कि आपको भूख होती है, मैं तो कहता हूँ उससे थोड़ा सा कम लिया करो, क्योंकि आप खाना बर्बाद करते हो, तो आपको यकीन नहीं है भारत में कितने लोग पेट भर खाना ही नहीं खाते, तो आप खाना बचाओगे ना उनको खाना मिल जाएगा और आपको दुआएं मिलेंगी। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया, दैट्स व्हाट सी हैज रिपीट, तो इसी चीज का तो उसको जो है काफी ज्यादा वो है कि जो उसने फसल जो अपने रिपीट का मतलब, यहाँ मैं आपको वैसे रीप्ट का मतलब होता है फसल काटना, लेकिन यहाँ पे उसने कहा उसने अपने जीवन में इतना ही बोया इतना ही काटा है, यानी उसने अपना पूरा जीवन इतना ही बिताया कि खाना भी नहीं खाया। हर हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड था, एंड ओल्ड मैन विथ अ फ्लावरिंग और फ्लोविंग सॉरी फ्लोविंग बियर्ड, और एक उसका जो आदमी था वो एक बूढ़ा आदमी था और जिसकी दाढ़ी थी, और कैसी दाढ़ी थी, उसकी दाढ़ी काफी उड़ती रहती थी, इधर उधर को फैली रहती थी, फ्लोविंग बियर्ड थी, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, और उसने क्या कहा कि चूड़िए के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैंने जो कुछ इस परिवार के लिए किया है वो किया है कि मैंने इस परिवार के लिए एक क्या बनाया है, घर बनाया है। सच में सर के ऊपर छत होना बहुत बड़ी बात है, अगर आपके सर के ऊपर छत है ना, दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी आप ही हो। हियरिंग हिम, उसको सुनने के बाद, वन वंडर इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसको सुन के हर किसी को आश्चर्य होता है, सबको ये लगता है कि शायद उसने वो प्राप्त कर लिया जो कईयों ने अपने जीवन में प्राप्त भी नहीं करा। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पे एक छत है, उसके कईयों के सर पे तो छत भी नहीं होती है। सच में बहुत अच्छा सेंटेंस है, द क्राई, ये पूरा का पूरा लेसन पढ़ के सच में ऐसे लगता है कि मतलब कितने दुख भरे दिन चल रहे हैं। खैर, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो फिर से बिजनेस में लग गए, मेकिंग चूड़ियों के धंधे में अलग से लग गए, उन्हें खाना काफी नया होना, पैसा ना होना, ये ऐसी चिल्लाहट उनके पास रहती थी, लेकिन फिर भी वो किस में लगे रहते थे, बैंगल्स में लगे रहते थे। नॉट इवन इफन टू इट, उनके पास खाना नहीं होता था, रिंग्स इन एवरी होम्स, हर घर में रिंग्स चूड़ियां बनती रहती थी, या यंग मैन इको, जो एक यंग मैन हो, द यंग मैन जो वहां के नौजवान लोग हैं, द यंग मैन इको द लेमेंट, इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि, जो बार बार आवाज आती है कहीं से गूंज के आती है उसे हम इको कहते हैं, तो वो बार बार बोलते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं यंग मैन, द लेमेंट, लेमेंट माने दुख, ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़े बूढ़ों के दुख को ही बार बार बताते हैं कि उनके बड़े बूढ़ों ने कितने कष्ट उठाए हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, लिटिल हैज मूव्ड, थोड़ा सा भी नहीं बदला है, विद टाइम समय के साथ थोड़ा सा ही परिवर्तन आए, ज्यादा फिरोजाबाद आज भी नहीं बदला है, इट सीम्स ऐसा लगता है इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कुछ बदला ही नहीं है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, माइंड माने दिमाग और नंबिंग माने उसको जड़ कर देने वाला, रोकने वाला, यानी पूरे दिमाग को रोक दिया, यानी कि फिरोजाबाद पूरा रुका हुआ सा लगता है। इयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, और जो दिमाग को रोक देने वाला, जो टॉयल माने जो उनका कठोर परिश्रम हैव किल्ड, उन्हें उसने किल्ड कर दिया है। ऑल इनिशिएटिव, जितना उनका नए नए सोच है, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और नए नए सपने देखने की जो उनकी क्षमता है, उस सारे को इतना ज्यादा माइंड नंबिंग हो चुका है, यानी उस सारे ने जो बदलाव नहीं आया है उससे उनका दिमाग भी काफी रुक गया है। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, अपने आप को आप संगठित क्यों नहीं करती इनटू अ कोऑपरेटिव, और एक जो है आप एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाती हो, उसने ये बताया। ठीक है, अच्छा, किसने पूछा ये, अनीस जंग ने पूछा। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने कुछ यंग मैनों से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विसिकस, जो कि विसियस यहाँ पे यानी कि दुराचारी, परेशान करने वाला जो होते हैं विसियस होते हैं, सर्कल ऑफ द मिडिल मैन, बिचौलिया,
जो दलाल होते हैं बीच में, जो लोग उनको शोषण कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए वो अपना एक संगठन क्यों नहीं बनाती? हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, इन दलालों ने जिन्होंने ट्रैप करा था, फंसाया था उसके पापाओं को, उनके फादर्स को, एंड फोर फादर्स, और उससे पहले वाली पीढ़ी को फंसाया था, उससे बचने के लिए वो संगठन क्यों नहीं बनाते? ये मैंने कुछ नौजवानों से पूछा। इवन इफ वी गोट ऑर्गेनाइज, उसने क्या जवाब दिया? इवन इफ वी गोट गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं, वी आर द वन, तो हम वे लोग होते हैं हु विल बी होल्डेड अप, जिसे घसीटा जाएगा, जिसे खींच के ले जाया जाएगा बाय द पुलिस, जिसे पुलिस खींच लेगी, घसीट लेगी, यानी किसी ना किसी केस में आपको ले जाएगी, ठीक है, बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग, और जम के कूटेगी, एंड ड्रैग, और घसीट घसीट कर कहाँ डाल देगी? जेल में डाल देगी, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें ऐसा लगेगा कि हमने कुछ इलीगल कर दिया है। दे से वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, हमारे बीच में कोई लीडर भी नहीं है, नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई ऐसा भी नहीं है जो हमारी मदद करे, सी थिंग्स डिफरेंटली, जो इन चीजों को अलग तरीके से देखे, देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी, उनके पूर्वज भी इतना कहते कहते थक गए और वो भी वैसे ही थके हुए, दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल, और वे बात करते हैं एक ऐसे चक्र की, एक ऐसे शोषण के चक्र की बात करते हैं, दैट मूव, जो कि चलता जाता है, फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी, पॉवर्टी कहते हैं गरीबी और अपाथी कहते हैं जड़त्व, रुक जाना, गरीबी के कारण उनका संसार रुक गया है, और एपाथी टू ग्रीड, और एपाथी टू ग्रीड यानी कि रुकने के कारण उनमें क्या आ गया है? लालच आ गया है, एंड ग्रीड टू इनजस्टिस, और लालच आने के कारण वो क्या करने लगे हैं? इनजस्टिस में जाने लगे हैं। यहां तक आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अगर ऐसा कुछ है लाइक जरूर कर लीजिए, समझ में कम आया है कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा है तो भी कमेंट में लिखिए, कोई और प्रॉब्लम है जरूर हमें बताइए। लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर ऐसा लगता है, आई सी, जैसे कि मैं देख रहा हूं, देख रही हूं, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो कैसे वर्ल्ड, दो अलग अलग संसार, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसी फैमिली जो कि गरीबी में जकड़ी हुई है, और बर्डन, और उसमें बोझ है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और उसमें दाग लगा हुआ है किसका, जाति का, इन विच दे आर बोर्न, जिस जाति में वो पैदा हुए हैं, द अदर, और जो दूसरा वाला है वो विशिया सर्कल है, एक ऐसा दुराचारी सर्कल है, एक ऐसा दुराचारी चक्र है, ऑफ द साहूकार, साहूकार का, द मिडिल मैन, दलालों का, द पुलिस मैन, पुलिस वाले भाइयों का, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रक्षकों का, द ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेट्स कौन से होते हैं, जो लोकशाही होते हैं, अफसरों का, एंड द पॉलिटिशियन, और हमारे राजनेताओं का, सबने मिलकर इनको एक चक्र में फंसा दिया है, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, इन सबने मिलकर, जितने साहूकार हैं, नेता हैं, अफसर हैं, सबने मिलकर एक बैगेज, एक बाहर डाल दिया है, एक बाहर बैठा दिया है, ऑन द चाइल्ड, बच्चे में, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और वो बच्चा उस भार को उतार नहीं सकता है, बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि उस बच्चे को पता चले कि ये भार क्या है और क्यों वो ढो रहा है, ही एक्सेप्ट, वो स्वीकार कर लेता है इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और बिल्कुल उसी तरह से स्वीकार कर लेता है जैसे कि उसके पिताजी ने भी इस भार को स्वीकार करा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी अलग करने से का मतलब होगा कि आप टू डेयर, ललकार रहे, आप किस किस को ललकार रहे, जो साहूकार है, मिडिल मैन है, उन सबको चुनौती दे रहे हैं, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डेयरिंग वाला पार्ट होता ही नहीं है, और छोटे बच्चों में डेयरिंग, ललकारने वाली झलक नहीं होती है। When I sense a flash of it in Mukesh, जब मैंने मुकेश में इस तरह की कोई सी एक झलक महसूस करी, I am cheered, मैं काफी प्रसन्न होती हूँ, वो जो अनीस जंग है यहाँ पे काफी प्रसन्न होती है, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, और मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ही रिपीट्स, उसने रिपीट करा, ही विल गो टू अ गैराज, वो एक गैराज में जाएगा, एंड लर्न, और वहां पर सीखेगा, बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैराज है उसके घर से बहुत दूर है, आई विल वॉक, मैं चलूंगा, ही इंसिस्ट, वह निष्ठापूर्वक कहता है, वह काफी जोर लगा के कहता है, काफी जी जान से कहता है कि मैं चलूंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो अनीस जंग बिल्कुल अपनी आदत के अनुसार एक और क्वेश्चन उससे पूछ लेती है, बिल्कुल अटपटा सा, कि क्या तुम हवाई जहाज भी चलाओगे, क्या तुम हवाई जहाज चलाना चाहते हो,
ही सडनली साइलेंट, चुप ही हो जाएगा। अनीस जंग के क्वेश्चन पे सारे चुप हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। नो उसने कहा, ही सेज उसने कहा नहीं। और स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और वो दोबारे से क्या देखने लगा, जमीन को देखने लगा। यहां मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, किसी की भी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इन इज स्मॉल मर्मर देयर, और अपनी छोटी सी बड़बड़ाहट में, और बड़बड़ाहट में उसने क्या कहा होगा ये तो मैं ही जानता हूं अनीस जंग के बारे में, बट जो भी है, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इन टू द रिग्रेट। तो उसके बड़बड़ाहट में एक एम्ब्रेसमेंट था, एक असमंजस्य था, और उसने अभी तक उसमें कोई रिग्रेट नहीं करा था, उसे कोई खेद नहीं है, उसे दुख नहीं है कि मैं हवाई जहाज नहीं चला पाऊंगा। He is content, वह संतुष्ट था। Or to dream of cars, केवल वो कारों के खेल से ही संतुष्ट था। That he sees, जिसको वो देखता है, hurtling down, तो hurtling down, जो कि वहां से निकलेंगी, काफी घूमेंगी, the street of his town, उसकी खुद की गलियों से घूमेंगी, few airplanes fly over फिरोजाबाद, और थोड़े हवाई जहाज फिरोजाबाद के ऊपर से गुजर गए। आई होप ये लेसन जो समझाते वक्त आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्टूडेंट्स वाली लैंग्वेज यूज करी है, ताकि आपको समझने में, सीखने में काफी आसानी रहे। अगर ऐसा कुछ है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।